धार्मिक ग्रंथों के ऊपर फिल्म बनाना हमेशा से एक पैशन रहा है। रामायण और महाभारत जैसी बड़ी काव्य को एक मूवी के अंदर दिखाना नॉट ए इजी टास्क। हाल ही में रिलीज हुई आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत द्वारा बनाया गया, जिसके VFX, स्क्रीन प्ले, डायलॉग को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन मिला। जहां कई लोगों को यह पसंद आई तो वहीं कई लोगों ने इसे बेकार कहा। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर रामायण जैसी मूवी बॉलीवुड बनाती है तो किसे कौन सा रोल मिलना चाहिए। सो वीडियो गोइंग टू इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, लॉर्ड राम। लॉर्ड राम एक पावरफुल कैरेक्टर है। ही ऑलवेज एन एडहेरेंट ऑफ ट्रूथ एंड धर्मा, जो अपने साथ एक रिस्पेक्ट का ऑरा कैरी करते हैं। ऐसे कैरेक्टर को करने के लिए एक मस्कुलर बॉडी के साथ फिजिकल अपेयरेंस की जरूरत है, जिसे हर कोई गॉड के रूप में एक्सेप्ट करे। कैरेक्टर बिल्डअप नरेशन फॉर अदर्स, इस कैरेक्टर के लिए ऋतिक एक अच्छे चॉइस रहेंगे। ऋतिक इज अंडररेटेड, बट आई ट्रूली फील ही कैन डू जस्टिस टू द पोर्ट्रेयल ऑफ राम। अगर पैन इंडिया की बात करें तो रामचरण टू गुड इन इट, जिन्हें हम RRR जैसी फिल्मों में राम का कैरेक्टर प्ले करते देखा है। आप इस रोल के लिए किसे परफेक्ट मानते हैं, लेट्स कमेंट बेलो। नंबर 2, रावण। रावण एक लेयर्ड कैरेक्टर है जिसके पास एक स्मार्ट ब्रेन है। कई बार अपने कर्लिंग माइंड से राम भगवान को हराने की कोशिश करता है, इवन गेट सक्सेसफुल। इस कैरेक्टर को कोई ऐसा एक्टर करे जो स्क्रीन पर फियर क्रिएट कर सके और ऑडियंस को अपने एक्टिंग प्रेजेंस से इम्प्रेस करें। इस रोल के लिए आशुतोष राणा परफेक्ट रहेंगे, जिन्हें हम ऐसे कई डिफरेंट रोल में देख चुके हैं। इस रोल के लिए अभिषेक बच्चन भी सही रहेंगे, जिन्हें रावण जैसे मूवी में हम निगेटिव रोल प्ले करते देख चुके हैं। अगर पैन इंडिया कास्ट की बात करें तो विजय सेतुपति या कमल हसन भी बेस्ट चॉइस रहेंगे। नंबर 3, सीता। देवी सीता नोज फॉर हर कैरेज, प्योरिटी, डेडिकेशन, लॉयलिटी एंड सेक्रीफाइस, जो काफ़ी साइलेंट फिगर है। डॉटर ऑफ मदर अर्थ, यह काफ़ी साइलेंट और प्योर कैरेक्टर है जो इंडियन संस्कृति और संस्कार को अपनी ओर बांधे रखती है। इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए दीपिका पादुकोण एक बेस्ट चॉइस है, जिन्हें हम क्वींस कैरेक्टर में देख चुके हैं। बियॉन्ड द बॉलीवुड की बात करें तो साई पल्लवी के अलावा नो वन कैन डू दिस, जिनकी साइलेंट प्रेजेंस ऑडियंस को कनेक्ट कर देती है। आप किसे देखना चाहते हो देवी सीता के कैरेक्टर में, लेट्स कमेंट बिलो। नंबर 4, लक्ष्मण। लक्ष्मण काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे। वो एक वॉरियर भी थे जिन्होंने रावण के एक हिस्से सेना को अकेले हरा दिया था। ए मैन विथ अनवेवरिंग लॉयलिटी, लव और अपने बड़े भाई का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। दोषी हम हैं जो उनकी रक्षा न कर सके। ऐसे कैरेक्टर को करने के लिए शाहिद कपूर परफेक्ट रहेंगे। इसके अलावा राजकुमार राव इस कैरेक्टर में काफ़ी डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 5, हनुमान। हनुमान इज़ वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द हिंदू इपिक रामायण, जो लॉर्ड रामा को रावण से युद्ध करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इस कैरेक्टर को प्ले करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इस कैरेक्टर को कोई ऐसा एक्टर प्ले कर सकता है जो फिजिकली फिट हो। इस रोल के लिए शरद केलकर पहली चॉइस हो सकते हैं, जिसके बाद विद्युत जम्बाल अनदर ऑप्शन। बियॉन्ड द बॉलीवुड की बात करें तो जूनियर NTR और ऋषभ शेट्टी, दोनों को हमने फिल्म RRR और कंतारा में एक मास कैरेक्टर में देखा है। द टीम इंटरटेनमेंट ब्रोकर थिंग्स गोविंदा आल्सो इम्पैक्ट द दिस रोल। हमने उन्हें रावण जैसे फिल्म में पहले भी हनुमान का मॉडर्न कैरेक्टर प्ले करते देखा है। नंबर 6, इंद्रजीत। इंद्रजीत काफ़ी एग्रेसिव कैरेक्टर है जो रावण का बेटा है। वो युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र जैसे हथियार का इस्तेमाल करते हैं। यह एक सेड रोल है। इस रोल को करना एक्टर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसमें पेशेंस के साथ स्क्रीन टाइमिंग भी देखने को मिलेगी। इस कैरेक्टर के लिए विक्की कौशल सही रहेंगे, जिन्हें हम उरी जैसे मूवी में एक एग्रेसिव कैरेक्टर प्ले करते देखा है। नंबर 7, विभीषण। विभीषण काफ़ी वेल रिटन कैरेक्टर है। जब उन्हें पता चलता है कि उसका भाई रावण गलत करता है, तो वो अपने भाई का साथ छोड़कर श्री राम प्रभु के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कैरेक्टर के लिए फवाद फासिल अच्छे रहेंगे। नंबर 8, भरत। भरत एक डीप इमोशन और ऑनेस्ट कैरेक्टर है, जो भाई के ना होने पर भाई के खड़ाओं को राजगद्दी पर रखते हैं।
जो काफ़ी इम्प्रेसिव सीन क्रिएट करता है। इस तरह के रोल के लिए विक्रांत मैसी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। आपको इस रोल के लिए कौन परफेक्ट एक्टर लगता है, लेट्स कमेंट बेलो। नंबर 9, किंग दशरथ और ककई। राजा दशरथ एक पराक्रमी राजा थे जिन्होंने अपने बेटे के विलास में शरीर को त्याग दिया, जबकि माता ककई का कैरेक्टर मल्टीपल लेयर्ड है। इस रोल के लिए शिफाली शाह या तब्बू एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी। शिफाली शाह को हमने दिल्ली क्राइम जैसे सीरीज में इस तरह के रोल में देखा है। नंबर 10, इस कैरेक्टर के अलावा सुग्रीव और बाली के रोल के लिए अजय देवगन ठीक रहेंगे। तो यह थी हमारी इमेजिनेशन जिसे एक परफेक्ट रामायण मूवी बन सकती है। अगर आप इसमें से बदलाव कर सकते हो तो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस को बदलना चाहोगे, लेट्स कमेंट बिलो। वीडियो खत्म करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।